So now students, हमने sprint planning भी देख ली, sprint की velocity कैसे track करते हैं वो भी देख ली, stand-ups क्या होते हैं, यानी scrum को run कैसे करना है वो भी हमने देख लिया. अब वक्त है कि आपकी sprint हो गई है close, जितने भी task आपने complete करने थे वो आपने complete कर लिए हैं, और अब आप ये सोचें कि एक release को ख़त्म करने के लिए आपने for example दो sprint plan की हुई थी, यानी आपने client को ये बताया था कि एक महीने के बाद हम तुम्हें X टास्क डिलीवर कर देंगे. अब आप ये समझें कि आपने रिलीज को दो स्प्रिंट में प्लान किया था, दो स्प्रिंट खत्म हो गई हैं, अब क्लाइंट को काम आपने डिलीवर करना है. तो नाउ देयर इज एजाइल के अंदर या सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के लिए एक मिनिमम सा डॉक्यूमेंट होता है, एंड आई विल शो यू, उसको बोलते हैं रिलीज नोट्स. वो क्लाइंट को ये नोट्स ये बता रहे होते हैं कि जो बिल्ड उनको मिल रही है या जो सॉफ्टवेयर उनको डिलीवर हो रहा है उसके अंदर क्या क्या टास्क मौजूद हैं, उसके साथ ये पता लग रहा होता है कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है. अब ये पॉइंट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने एक फीचर रिक्वेस्ट की थी, उस फीचर को यूज़ करने का तरीका आपने क्लाइंट को बताना है. मतलब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन एक एल्गोरिज्म लिख लेते हैं, उस एल्गोरिदम को रन करने के 3-4 स्टेप्स होते हैं. अब क्लाइंट को जब आप या अपनी सेल्स टीम को आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो वो 4 स्टेप नहीं आप बताते, तो उनको ये तो पता लग रहा होता है कि ये टास्क डिलीवर हो गया, बट दे गेट स्टक कि वो टास्क खत्म करने के स्टेप्स क्या हैं. ये एक आपको बड़ी रियलिस्टिक एग्जाम्पल बता रहा हूं, यानी आप जो सेल्स के लोग हैं दे आर नॉट टेकीज, यानी वो टेक्नोलॉजी के लोग नहीं होते, उनको ये पता है कि उन्होंने फॉर एग्जांपल स्क्रीन 1 पे क्लिक किया, लॉगिन हो गए, स्क्रीन 2 पे क्लिक किया, कुछ कैलकुलेशंस हो गई, स्क्रीन 3 पे क्लिक किया तो एक्सेल फाइल जनरेट हो गई, लेकिन ये 3 स्टेप्स उनको बताने हैं किसी ने, और वो काम होता है क्यूए डिपार्टमेंट का या इंजीनियरिंग टीम का. वो कैसे बताना है, वो ये रिलीज नोट्स बताते हैं. रिलीज नोट्स ये बताते हैं कि हाउ टू यूज अ बिल्ड, हाउ टू यूज रिलीज, अदरवाइज आप देयर इज नो अदर वे एक्चुअली. अदरवाइज फिर जब वहां से आपको इश्यूज रिपोर्ट होंगे कि ये फलाना काम नहीं हो रहा या कोई एक टास्क था जो कमिट किया हुआ था वो डिलीवर नहीं हो रहा, तो दे विल कम बैक टू यू. तो आप उन्हें, मतलब मैंने ये बहुत दफा आर्गूमेंट सुना है कि इनको तो यूज ही नहीं करना आता जैसे ये यूज करना है, तो इसका तरीका ये होता है कि आप उनको एक वॉक थ्रू करा देते हैं रिलीज नोट्स का, या आप उनको डॉक्यूमेंट एक छोटा सा, मतलब एक बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट नहीं है, एक आध पेज का डॉक्यूमेंट उनको हैंड ओवर कर देते हैं कि अगर ये फीचर आपने यूज करना है तो आपको 3-4 स्टेप्स करने हैं. वो 3-4 स्टेप्स कौन से हैं, वो डॉक्यूमेंट का पार्ट है, सो दे विल नॉट, दे शुड नॉट कम टू यू. इसके अलावा एक बड़ा क्रिटिकल टॉपिक मेंशन होता है रिलीज नोट्स में, वो ये होता है कि अब आप ये समझें कि आपका आपकी वेबसाइट चल रही है 6-7 साल से चल रही है, अब उसमें 0 बग काउंट नहीं होगा, ये आप लोग हजम करने की कोशिश करें, 0 बग काउंट किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि जो बग्स की सिवेरिटी होती है वो हाई लेवल के बग्स या ब्लॉकर लेवल के बग्स नहीं होते, लेकिन माइनर, यानी फॉर एग्जांपल गुई के अगर इशू हैं या कोई मैसेज सही नहीं आ रहा, उस तरह के बग एग्जिस्ट करते हैं. तो 0 बग काउंट वाली जो थ्योरी होती है ना, वो एक्चुअली गलत है, ऐसा नहीं होता. अब ये बात अपने क्लाइंट को बताना है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने किसी क्लिक बटन पे क्लिक किया तो जो मैसेज उसको नजर आ रहा है उसमें हो सकता है कि फॉन्ट सही ना हो या स्पेल मिस्टेक हो, तो बिफोर अ क्लाइंट कम टू यू, यू शुड टेल द क्लाइंट कि ये एक नॉन बग है, हमारे पास इस रिलीज में इतना टाइम नहीं था कि इसको फिक्स कर सके, तो प्लीज डोंट रिपोर्ट दिस बग, ये बग हमें मत बताओ, ये हमें पता है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर आपने हाई प्रायोरिटी आपने टास्क डिलीवर कर दिए तो लो प्रायोरिटी टास्क मौजूद होंगे. जैसे हमने अभी देखा था कि अगर 6 टास्क प्लान किए थे, यानी अगर हमने 30 स्टोरी पॉइंट्स प्लान की थी तो हम 30 डिलीवर नहीं कर रहे थे, हम 23 कर रहे थे, तो व्हाट अबाउट दोज 7 टास्क या 7 स्टोरी पॉइंट्स जो हमने डिलीवर नहीं की, वो बेसिकली आपकी रिलीज नोट्स का पार्ट हो जाती हैं, कि आप क्लाइंट को बताते हैं कि लिस्ट ऑफ नॉन इश्यूज कौन से हैं, यानी वो कौन से डिफेक्ट हैं जो हमें पता है एज अ डेवलपमेंट टीम, यानी हर बग जो है
उसको फिक्स करने का एक तरीका है. अगर तो ब्लॉकर बग है यानी क्लाइंट लॉगिन ही नहीं कर पा रहा, वो तो आप हर चीज छोड़ के वो बग फिक्स करेंगे. लेकिन अगर क्लाइंट की ख्वाहिशें हैं कि वो ये बता रहे कि फॉन्ट लाइट ब्लू कर दो या लाइट ग्रे कर दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विश लिस्ट, ख्वाहिशें. वो आप लिखते हैं, यू नीड टू राइट देम इन इन योर क्लोजर नोट्स, रिलीज नोट्स. और आप क्लाइंट को ये बताते हैं कि जो बिल्ड उसको मिली है वो किन किन टेस्टिंग के स्टेप से हो के गुजरी है, ताकि क्लाइंट का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो कि ये डायरेक्ट बिल्ड नहीं दे दी, ये क्यूए का प्रोसेस हो के हमने डिलीवर किया है. तो रिलीज नोट्स बड़ा माइनर सा, मिनिमल सा डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये बेसिकली आप समझें ये क्लाइंट को हैंड ओवर करने का साइन ऑफ होता है कि हमने क्लाइंट को एक्स वाई जी चीजें एक्स वाई जी डेट को डिलीवर कर दी हैं. तो इट्स अ, यू कह लें, हैंडशेक है बिटवीन योर इंजीनियरिंग टीम एंड योर क्लाइंट या प्रोडक्ट ओनर या सेल्स के लोग, जो भी आपका क्लाइंट है. सो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है रिलीज नोट्स की.